खट्टी मीठी कहानियाँ। लड़के वालों ने चिट्ठी भेजी है। कल्पना उन्हें बहुत पसंद है। माघ महीने के 23 तारीख को शादी करवाना। अरे, इसका मतलब कि सिर्फ एक और महीने। इसके बाद तुम्हारे माँ पिताजी का दिया हुआ बोझ हमारे कंधों से उतर जाएगा। लेकिन देखो, वो लोग बड़े लोग हैं, हमारी तरह कोई गरीब साधारण लोग नहीं। इसीलिए इसी खुशी में उसकी शादी में हाथ खोलकर खर्च मत कर देना, थोड़े में ही निपटा दो उसे। अरे तुम फिकर मत करो, मैं सस्ते में ही निपटा दूंगा। हाँ। भैया देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये शॉल बुनी है, ठंड आने वाली है, तुम इसे पहनना, है ना? जरा मुझे भी दिखा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बनी है, तुम इसकी शादी वाले दिन पहन लेना। किसकी शादी भाभी? तुम्हारी नंदिनी, अगले महीने की 27 तारीख को। हे भगवान, कितना पतला है, छी 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 छी, ये हार तो लगता है 10 ग्राम का भी नहीं है। कितने गरीब लोग हैं ये, देख सुन कर तो लिया है ना, नहीं तो क्या पता नकली जेवर में सोने का पानी चढ़ा कर दे दिया होगा। ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, जाकर देखूं कि खाने पीने का क्या व्यवस्था किया है इन लोगों ने। कल्पना की शादी एक अमीर घराने में होती है, लेकिन शादी के बाद से ही कल्पना के ससुराल वाले उस पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। लेकिन शादी के बाद से ही कल्पना के ससुराल वाले उसे कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि कल्पना एक गरीब परिवार से आई है और यही कारण है कि कल्पना को उठते बैठते ताने सुनने को मिलते हैं। क्या कर रही हो बहू? अरे माँ, यही तो सिलाई कर रही हूँ। जब देखो घर पर बैठी बैठी यही करती रहती हो, सारे बेकार काम ही, बंद करो ये सब। माँ, मुझे ये करने में अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगने या ना लगने से ये घर नहीं चलने वाला। गरीब घर की लड़की ये सब करेगी ये तो पता ही है, लेकिन तेरे मायके वालों जैसे हम गरीब नहीं हैं। इसी से हमारा घर चलाओगी क्या? नहीं माँ, ये तो एक रचनात्मक काम है। वो सब हमें नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें यही सब करना है तो जाकर अपने मायके में करो, यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। ठीक है माँ। अरे ये क्या खाना बनाया है तुमने? क्यों, लौकी का साग मिलाकर दाल बनाया है। क्या तुम नहीं जानती कि मुझे ये घास पात खाना बिल्कुल पसंद नहीं? क्यों, ये तो खाने में स्वादिष्ट होता है। जबान लड़ाती हो, जब वो नहीं खाता तो तुमने उसे दिया ही क्यों? अरे छोड़ो माँ, ये भी क्या करे, आई तो है गरीब परिवार से, हैं? बचपन से यही खाकर तो बड़ी हुई है। आप लोग हर समय मेरे मायके के बारे में ये सब क्यों कहते रहते हैं? आप लोग तो सब कुछ जानने सुनने के बाद ही मुझे यहाँ लेकर आए थे ना? मेरे भैया ने तो आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाया। फिर जबान लड़ाती है, रुक, तू निकल मेरे घर से। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? क्यों, जिस मायके को लेकर इतना जबान चला रही थी वहीं जा। मेरी माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, वो लोग मुझे क्यों रखेंगे? वो लोग रखेंगे या नहीं रखेंगे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी शक्ल हम देखना नहीं चाहते बस। अच्छी, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? वो क्या बोलेगा, वो मेरा बेटा है, मैं जो कहूँगी वो वही करेगा। जा निकल अब घर से, निकल।
ससुराल में हमारी नाक कटाकर तू यहाँ चली आई? भाभी, वो लोग हर वक्त मेरे मायके को बदनाम करते रहते हैं। करते हैं तो करने देती, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? देखो, हम लोग तुम्हें यहाँ आश्रय नहीं दे सकते। लेकिन भाभी, आप लोग आश्रय नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ जाओ, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, बस। कल्पना, ए कल्पना! ए कल्पना, कहाँ जा रही है? मरने। मतलब? जिसे अपने मायके में जगह ना मिले, ससुराल में जगह ना मिले, वो और कहाँ जाएगी? मैं समझ गई। चल तू मेरे साथ चल। कहाँ? मेरे घर। मैं तो अकेली ही रहती हूँ, तू भी रहेगी मेरे साथ। अब चल चल। लेकिन? कोई लेकिन वेकिन नहीं। देख, तू तो जानती है कि मैं नर्स की नौकरी करती हूँ, उससे मुझे जो भी मिल जाता है उससे मेरा संसार चल जाता है, और उसी में कुछ दिन तेरे भी चल जाएंगे। और उसके बाद? उसके बाद तुझे भी कुछ करना होगा। मैं क्या करूँगी? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तू अपना सिलाई बुनाई का काम शुरू कर और उसके बाद उसे बाजार में बेच देना। देख, ऐसा करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स लगेंगे, कपड़े, धागे। मैं दूंगी। मतलब? मतलब कि मेरे पास अभी तक जो भी जमा किए हुए रुपए हैं, मैं वो तुझे दे दूंगी। तू उससे अपना बिजनेस शुरू कर, उधार समझ कर। जब तेरा बिजनेस खड़ा हो जाए तो तू मुझे सूद समेत वापस कर देना। क्या मैं ये कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगी। तुझे याद है तेरे बुने हुए कपड़े हम लोगों के बीच कितना लोकप्रिय था? हाँ हाँ, मुझे याद है, बहुत पसंद किया करते थे सब, कितने सारे तो बिक भी गए थे। बस डॉन, अब तू लग जा, और अगर तुझे ज्यादा लाभ हो जाए तो मुझे अपना पार्टनर बना लेना। धत, अच्छा सुन, मेरी कुछ नर्स सहेलियों ने तेरे वो शॉल और जैकेट्स मांगे हैं, 4 शॉल्स और 2 जैकेट, दे देगी ना? कल घर पर पड़े सारे शॉल्स तो बिक गए, फिर से बनाना होगा, मुझे 3-4 दिनों का समय दे दो। ओके, और हाँ, सामने के मैदान में अगले महीने एक मेला लगने वाला है, तो तुम शॉल, जैकेट्स और ब्लाउज बना कर रखना। अच्छा, ठीक है, अब मैं नहा कर आती हूँ। धीरे धीरे कल्पना के सिए हुए ब्लाउज और जैकेट की मांग बढ़ने लगती है। मेले के एक व्यापारी के साथ कल्पना की मुलाकात होती है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है! देखिए बहन जी, आपकी कारीगरी तो कमाल की है, शहर में इसकी बहुत मांग है। आप अपने ये कपड़े मेरे दुकान के लिए सप्लाई करना शुरू कर दीजिए, शहर में इसके बहुत दाम मिलेंगे। हाँ, और मुझे दाम ज्यादा मिलेंगे तो आपकी भी कमाई बढ़ेगी। ये लीजिए, एडवांस के तौर पर ये इसे रख लीजिए। हाँ, सुन, इस तरह से घर आई लक्ष्मी को वापस नहीं लौटाते, और वैसे भी यहाँ तेरी जैसी बहुत सारी अभागिन औरतें हैं, अगर तू उन्हें भी सिखा दे तो? सिखाएगी ना? सिखाऊंगी। गुड, तो मैं आज से ही उन्हें इकट्ठा करने में लग जाती हूँ, चलती हूँ। और इसी के साथ शुरू होता है
कल्पना का स्वनिर्भर गोष्ठी, जहां बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं और वे सभी अब स्वनिर्भर हो चुकी हैं। गांव की महिलाओं को कल्पना ने अर्थनैतिक रूप से स्वाधीन बना दिया है। उधर उसके पति की नौकरी चली गई है और उसकी सास बहुत बीमार है। लक्ष्मी जैसी बहू को जिस दिन से हमने घर से निकाला है, उस दिन से लगता है कि लक्ष्मी भी हमसे रूठ गई है। जा बेटा जा, बहू के पास जा। वो अभी बहुत बड़ी व्यवसायी बन गई है। हमारे बारे में सुनकर वो मना नहीं करेगी। तू मेरी तरफ से उससे माफी मांग लेना और अपने अन्याय के लिए भी उससे माफी मांग लेना बेटा। देखना, वो जरूर माफ कर देगी। जी कहिए। जी जी, मैं कल्पना से मिलना चाहता हूँ। आप कौन? दीदी हमारी माँ जैसी है। उन्होंने हम जैसे ससुराल से प्रताड़ित औरतों को मुक्ति दिलाई है और यहाँ तक लेकर आई है। आइए, आप आइए अंदर। कल्पना, मुझे माफ कर दो, मेरी नौकरी चली गई है। माँ भी बहुत बीमार है, मेरे पास तो उनकी दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं है। हमारा घर भी बिक चुका है, पर उन्होंने हमें कुछ दिन वहाँ और रहने की मोहलत दी है। क्या चाहिए? क्या पैसे चाहिए? नहीं, माफी चाहिए, और माँ भी तुमसे माफी मांगना चाहती है। मेरा एक घर है, आप लोग आकर वहाँ रह सकते हैं, और माँ के इलाज का व्यवस्था भी मैं कर दूंगी। कल्पना, माँ ठीक कहती है कि तुम लक्ष्मी हो, हमारे घर की लक्ष्मी। ठीक है, मैं समझ गई। कानाई, कानाई। जी अम्मा। गाड़ी निकालिए। जी ठीक है, अभी निकालता हूँ। गाड़ी? हाँ, मैं खुद जाऊंगी अपनी सासू माँ को लाने। अम्मा, गाड़ी तैयार है। चलिए। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.